नमस्कार बच्चों बच्चों आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 63 कर रहे हैं। आप सभी बच्चे इस पेज को निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अभ्यास कार्य को कीजिए। आप सभी ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और कार्य को समझना है। आओ बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर है गोले बनाते जाओ जोड़ते जाओ। अब हमारे पास ऊपर क्या है, यहाँ पर एक संख्या लिखी है, हमने उसको पढ़ना है, इस अंक को देखना है और जितना ये अंक लिखा हुआ है उसके बराबर हमने गोले बनाने हैं। जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 गोले बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर बीच में जोड़ का निशान या जमा का निशान लगा हुआ है और इसकी पहचान क्या है, एक खड़ी लाइन और एक लेटी हुई लाइन एक दूसरे को काटती हैं। आगे है 3 लिखा हुआ तो हम 3 गोले बनाएंगे और यहाँ पर 3 गोले आपको बनाकर पहले से ही दिखाए गए हैं। अब जब हम 6 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएगा, तो हम पता कर सकते हैं इन गोलों की संख्या को गिनकर, क्योंकि हमने 6 और 3 को जोड़ा मतलब इतने ही गोलों को आपस में मिलाया है। तो अब हम इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जोड़ने के बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमें यह सवाल समझने हैं और हल करने हैं। बच्चों आपको समझ में आया। अब हम अगले सवाल को ध्यानपूर्वक देखते हैं, सभी बच्चों ने देखना है और समझना है। यहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7। तो अब हमें नीचे दिए गए बॉक्स में 7 गोले बनाने हैं। आओ बच्चों बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने 7 गोले बना लिए हैं। अब हमें इसमें जोड़ना है 1, तो यहाँ पर तो केवल एक ही गोला बनाना है, तो यहाँ क्योंकि 1 लिखा हुआ था तो यहाँ पर एक ही गोला बनाना है। इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे 7 और 1 कितना होगा, तो हम यह संख्या इन गोलों की संख्या को जोड़कर पता कर सकते हैं, है ना। तो अब आप 7 और 1 को जोड़ने के लिए गोलों को आपस में मिला लीजिए और इकट्ठा काउंट कीजिए कितने बने हैं, तो उतना ही हमारा उत्तर आएगा। आओ बच्चों गिनते हैं, जब 7 में 1 मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें 1 और मिल जाएगा, 7 और 1, 8। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स में अपना उत्तर 8 लिख देंगे, है ना। अब अगला सवाल, अब तो आप समझ गए हो ना हमें कैसे करना है। चलो जल्दी से इन दोनों बॉक्सों में गोले बनाइए। बनाओ बच्चों, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4, तो हमें कितने गोले बनाने हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। सभी बच्चों ने बना लिए, वेरी गुड। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1, 2। अब हमें इनको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जब 4 और 2 को हम आपस में जोड़ेंगे तो हम पता कैसे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इन गोलों की संख्या से, है ना, क्योंकि हमने 4 गोले इस 4 अंक के लिए बनाए हैं, 2 गोले इस 2 अंक के लिए बनाए हैं। तो अब हम इनको जोड़ने के लिए इन गोलों को आपस में मिला लेंगे या इकट्ठा गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने हुए बच्चों मिलाकर, ये 6 के बराबर हो गए हैं, ये 6 आ गया है, है ना। ऐसे ही ये अगला सवाल है, अब आप इसको हल कर लोगे, सभी बच्चे कर लेंगे ना, तो बताओ फिर कैसे होगा। चलो बेटा बताओ, हाँ हाँ शाबाश, वेरी गुड। हाँ तो क्या बताया बच्चे ने, यहाँ पर बताया है 5 गोले बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 4, 1, 2,
तीन, चार। तो ये चार गोले बन गए हैं, है ना। अब इनको आपस में क्या करना है, मिलाना है या जोड़ना है। तो पाँच और चार को जोड़ने के लिए हम इन गोलों की संख्या को आपस में मिला लेंगे, इनको इकट्ठा गिन लेंगे। तो गिनो फिर। शाबाश, हाँ हाँ, वेरी गुड। एक, हाँ दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः, सात, आठ और नौ। हाँ, यह है, नौ हो चुके हैं। तो अब हम इस बॉक्स में नौ उत्तर भर देंगे। पाँच और चार को जोड़ने पर क्या आएगा, नौ। चार और दो को जोड़ने पर क्या आएगा, छः। सात और एक को जोड़ने पर आएगा आठ। छः और तीन को जोड़ने पर आएगा नौ। इस प्रकार हम संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, जो आपके पास इधर ये दिए हैं, तो यहाँ पर कुछ बिंदु बने हैं, इसमें कुछ हरे रंग के हैं, कुछ अलग रंग के हैं, तो इनको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात हैं हरे रंग के। और ऐसे ही ये जो हैं, एक है हमारे पास, ये दूसरा रंग है, ये एक है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो सात और एक आठ बन जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको जोड़कर लिख सकते हो। दो, चार, छः, दो, आठ, यहाँ पर आठ लाल रंग के हैं और एक यह है कौन सा, जामुनी रंग है या बैंगनी रंग है, तो एक इस रंग का है। तो जोड़कर आठ और एक नौ। तो आपने यह जो सात सात दिए हैं हमारे, ये बिंदु कार्ड बने हुए हैं, इनको भी आपने गिनना है, अपनी कॉपी पे हल करना है और इनके गिनने के बाद कौन सा अंक आता है, कौन सी संख्या आती है, उसको लिखना है। तो आप सभी बच्चों ने इस कार्य को पूरा करना है और जब आप इस कार्य को पूरा कर लोगे तो उसकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेज देनी है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।